बाल झड़ना आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। आपने शैम्पू चेंज करके देख लिया, ऑयल भी सारे चेंज करके देख लिया, आपने होम रेमेडी भी करके देख लिया, लेकिन बाल झड़ना आपके बंद ही नहीं हो रहे। आप थक चुके हो सब तरह के उपाय करने के बाद। तो आज आपके लिए बहुत सरल सा और बिल्कुल एक मिनट का नुस्खा बताने वाली हूँ। जब मैंने इस नुस्खे को खुद अप्लाई किया, 8 दिनों तक यूज किया, मैंने आज आपके साथ ये नुस्खा शेयर कर रही हूँ। वरना बाल झड़ने की प्रॉब्लम मुझे नहीं थी, ये सच बात है। मैं आपके साथ इतनी सारी रेमेडी शेयर करती रहती हूँ, वो सब चीजें मैं खुद लगाती रहती हूँ, तो मेरे बाल ठीक रहते हैं। बाल झड़ने की प्रॉब्लम मुझे बिल्कुल नहीं थी। पता है कि मैंने वैक्सीन लगवाई है, इसकी वजह से मेरे बाल बहुत झड़ने लग गए। वैक्सीन लगवाने के बाद बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरह की प्रॉब्लम हुई। किसी को फीवर बहुत ज्यादा आया, किसी को हेडेक बहुत ज्यादा हुआ, पर मेरे साथ ये हुआ कि मेरे बाल झड़ने लगे। इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बाल झड़ने की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों की होती है। शायद आपकी भी बाल झड़ने की प्रॉब्लम हो सकती है, तो क्यों ना, बहुत सारी चीजें आप करके देख चुके हो, आपने सब कुछ करके देख लिया है, तो क्यों ना अब आप इसे इस रेमेडी को यूज करके देखो। और आपको कितना फायदा हुआ मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। आप कमेंट्स करके बताते हो तभी बाकी लोगों को भरोसा होता है कि आपकी रेमेडी कितनी यूजफुल है, कितनी रिजल्टफुल है और कितनी कारगर है। और आपकी जिस तरह के ये छोटे छोटे बाल है ना, ये बढ़ने में भी बहुत मदद करेगा, क्योंकि जो ये बाल आपके छोटे छोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल पतले दिखाई देते हैं, अब जब यही बाल बढ़ जाते हैं तो आपके बाल घने दिखाई देते हैं। ये बालों को बढ़ाने में भी आपकी हेल्प करेगा, आपके बालों को झड़ने का बंद कर देगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं, बहुत स्पीड में सफेद हो रहे हैं, तो उनको भी रोकने का काम करेगा। अब जब मैं किचन में खड़ी हुई सोच रही थी, तभी मैंने देखा कि सामने रखा है उद्रामृत। उद्रामृत के बारे में तो आप जानते ही होंगे। फिर मुझे लगा कि ये चीजें मुझे रेडीमेड कम समझ आती हैं, तो मैंने लिए थोड़े से आंवले। आंवला मैंने आधा किलो मंगाया और उसका जूस मैंने किस तरह से घर पे प्रिपेयर किया वो मैं आपको बताती हूँ। आंवले का जूस बनाना बहुत ईजी है, यूजफुल भी। मैं सबसे पहले मैंने इसका बीज था उसको अलग कर लिया, छोटे छोटे पीस करके मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। अब आप सोचेंगे कि ग्राइंड करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आपको मुश्किल लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी मिला सकते हो, क्योंकि आप जब इसको लोगे तो पानी मिक्स करोगे। मैंने इसको ग्राइंड करने के बाद इसका जूस निकाला, बहुत सारा जूस निकल आया। मुझे तो कम से कम ये 200 ग्राम से ज्यादा जूस दिखाई दे रहा है। इतना जूस निकल आया मैंने इसको कांच की कंटेनर में, प्लस थोड़ा सा बचा तो मैंने इसको प्लास्टिक की कंटेनर में भर के रख लिया। ये तो मेरा हो गया जूस तैयार। और अगर विंटर है तो आप नॉर्मल टेम्परेचर में भी ये खराब नहीं होगा, कम से कम 15 दिनों तक। अगर आप बहुत ज्यादा गर्मी है तो आप इसे फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हो। अब ये जो छिलका आपको दिख रहा है, इसको आपको धूप में सुखा लेना है। जब आप इसे 2 से 3 दिन अच्छे से सुखाओगे तो आपका ये आंवला पाउडर तैयार हो गया। आंवला पाउडर तो आपको पता ही है कितना ज्यादा यूज रहता है, हमारे पेट की डाइजेशन को अच्छा कर देता है, आपके फेस की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है अगर आप आंवला पाउडर लेते हो। और अगर आप आंवला पाउडर को बालों में यूज करते हो तो आपके डाई का काम कर देता है, हिना का काम कर देता है। ये मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है जो आंवला पाउडर पे बेस्ड है, पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि आंवला पाउडर के कितने सारे फायदे हैं। और जब मैंने इसको 4 दिनों तक लिया तब मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। फिर मेरी एक सब्सक्राइबर थी, उनका फोन आया तो मैंने उनके साथ ये अपना नुस्खा शेयर किया। मैंने कहा आप भी करके देख लो, क्या पता आपको भी उतना ही फायदा हो जाए। उनको भी बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा फायदा हुआ। उद्रामृत हम उसी को कहते हैं जो है ये आंवला जूस। सबसे पहले मैंने ये आंवला जूस लेना शुरू किया। कैसे लिया मैं आपको बताती हूँ। मैंने सबसे पहले तो इसको आपको सुबह सुबह लेना है, खाली पेट लेना है और गर्म पानी के साथ लेना है। मैंने इसको 4 टीस्पून लिया, उसमें उतना ही पानी डाल लिया। इस तरह से मैंने इसको डेली सुबह लगातार 4 दिनों तक लिया और बाल मेरे झड़ना ऐसे बंद हो गए जैसे कभी झड़ ही नहीं रहे थे। तो इतना सरल सा नुस्खा है तो क्या आप सुबह उठ के नहीं कर सकते? मुझे लगता है कल से ही आप पक्का करने वाले हो। 8 दिन यूज करने के बाद मुझे रिजल्ट जरूर शेयर करना कि आपको इस रेमेडी से कितना फायदा हुआ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये 100% गारंटीड सॉल्यूशन है जो आपके बालों को झड़ना एकदम से बंद कर देगा। आप रेमेडी में इतने बिजी हो गए कि आपने अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। और अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हो और आपको रिजल्टफुल वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास में है बेल आइकन उसे भी दबा दो। और ये रेमेडी उन लोगों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना जिन लोगों को बाल झड़ने की या बालों के सफेद होने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। उनके बाल सफेद होना एकदम से रुक जाएंगे। जो हो चुके हैं उनके लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन और बाल जल्दी जल्दी सफेद ना हो उसके लिए आप ये नुस्खा अपना सकते हो। अगर आपको ये रेमेडी पसंद आई हो तो थम्स अप जरूर करना और मेरे साथ अपना रिजल्ट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक
थैंक यू फॉर वॉचिंग।